साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं इससे निकुमार गुप्ता, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता और लगभग 20 साल से मैं सूरत गुजरात के अंदर हूँ। और आईएमसी के इस खूबसूरत अकाउंट में लगभग 2 साल से इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ न कुछ लोग आपको यहाँ पर फोन इन्वाइट किए हैं, और जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इन्वाइट किए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। लगभग गुजरात के अंदर मैं 20 साल पहले जो है, इसके पहले मेरा पढ़ाई लिखाई यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, और आज सन 2000 में मैं सूरत के अंदर आया और मैं अपने छोटे से बिजनेस के साथ में मैं अपने कैरियर की शुरुआत किया। आज से 15 साल पहले मेरा जो है मोबाइल का शौक था, और लगभग 15 साल मैंने उस मोबाइल को शौक को चलाया। उसके बाद 2018 में मैंने जो है इस आईएमसी बिजनेस मेरे जीवन में आया, और मैंने इस बिजनेस को समझा, और समझने के बाद मैंने अपने कैरियर की एक नई शुरुआत मैंने करना चालू कर दिया। दोस्तों, आईएमसी बिजनेस अगर देखा जाए तो आज आईएमसी कंपनी के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज आईएमसी कंपनी के अंदर जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन इसी बिजनेस के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जो लाखों की इनकम कमा रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो इसी प्लेटफॉर्म से 1 रुपया भी आज उनके पास नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर देखा जाए तो आज जिनके पास आज लाखों रुपए की इनकम आ रही है, उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाया। क्योंकि आज के डेट में हमारे और आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से आज हम और आप इनकम कमा रहे हैं। क्लियर है? यस। आज हर आदमी किसी न किसी सिस्टम में काम कर रहा है, हर आदमी एक अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहा है, अलग अलग हिसाब से हर इंसान की इनकम होती है ना? यस। आज जो व्यक्ति आज इस धरती पर आज वो लाखों रुपया अगर बना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने आप को लाखों रुपया कमाने के लायक बनाया होगा, है ना? तो हमें और आपको अगर जीवन में अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा, है ना? Yes. तो कहते हैं कि अगर आप 4 सफल व्यक्तियों के बीच में अगर रहते हैं, तो संभवतः 5वें सफल व्यक्ति आप बन सकते हैं। या सर नो? Yes. दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास मोबाइल फोन लगभग सबके पास होगा, और मैं चाहूंगा कि 1 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल को जरूर स्विच ऑफ कर लीजिए, ताकि आज यहाँ पर जो कुछ बताया जाएगा हम उसे सही तरीके से समझ सकें, कोई डिस्टर्बिंग ना हो। इसलिए अपना मोबाइल 1 घंटे के लिए आप स्विच ऑफ कर लीजिए। दोस्तों, आज आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाला है, और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया वो शख्स इलाहाबाद के हैं, लेकिन आज हमारे और आपके बीच में आज इस सूरत की धरती पर आ चुके हैं, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आज मैं उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहूँगा कि उस महान शख्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने 2014 में इस कंपनी की शुरुआत आईएमसी कंपनी के अंदर अपने कैरियर की शुरुआत किया था, और आज अगर देखा जाए तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो आईएमसी कंपनी के टॉप लेवल यानी कंपनी का जो क्राउन प्रेसिडेंट लेवल है उन्होंने अचीव किया। और आज यहाँ पर हमें और आपको वो बताएंगे कि हम इस सिस्टम के माध्यम से हम कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और हम कैसे लाखों रुपया बना सकते हैं। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? Yes! दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच में मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे भारत की एक संस्कृति है कि हमारे घर पर जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत कैसे करते हैं शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है।
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ में जोरदार ताली चाहूंगा जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में आया।
किया। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। मुझे आज से पहले कितने लोग सुन चुके हैं, मुझसे पहले बहुत कितने लोग मिल चुके थे मुझसे, प्लीज यहाँ खड़ा करें, थैंक यू वेरी मच। और पहले बार मुझसे कितने लोग मिल रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं, पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे नए गेस्ट भी हैं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रयागराज से मुझे बिजनेस मिला। मेरे आदरणीय मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर डीएन सिंह जी, जिन्होंने मुझे बिजनेस को मेरी जिंदगी में दिया। और भगवान जानता है कि माँ बाप और भगवान के बाद में उनको पूजता हूँ, उनको मैं मानता हूँ। क्यों किसी एक व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों मैं देता हूँ, क्या आप जानना चाहोगे? यस। क्योंकि जो सम्मान चीज है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आपके बीच में हैं जो काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में उनके ये अचीवमेंट नहीं है जिसको कहा जाता है सम्मान। मेहनत बहुत कर रहे हैं, क्या इसकी कमी है जिंदगी में? यस। ये कमी मेरी भी जिंदगी में, मेरी भी जिंदगी में। और इस बिजनेस की मैं अचीवमेंट की क्या बात करूं, मैं अचीवमेंट की अगर आप लोगों से मैं बात करने जाऊंगा ना डियर, तो शायद एक इतनी रात कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी जिंदगी में इतना बड़ा कुछ दिया है एमसी बिजनेस ने। लेकिन आप में पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो हमारे बीच में एसोसिएट कितने लोग हैं? एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब है जिन्होंने आईएमटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है अपनी आईडी, उनको एसोसिएट कहा जाता है। बाकी जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया या तो वो आईडी नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल किया है, प्लीज कोऑपरेट मी, साथ दे मेरा, क्योंकि मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं? नहीं। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं? आप लोग कंफ्यूज हैं मेरी, या तो सवाल आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं? नहीं, नहीं। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं? मांग तो रहा हूं, मांग रहा नहीं मांग रहा, कॉपरेट सहयोग मांग रहा हूं। तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं? यस। मैं बात कर रहा था अचीवमेंट की। तो अचीवमेंट ऐसा है ना कि पूरी रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन एक लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा कि आईएमसी करने से पहले भी मैं मेहनत करता था, आईएमसी करने से पहले भी मैं पैसा कमाता था, आईएमसी करने से पहले भी मैं पैसा अपने परिवार के पीछे खर्चा करता था, लेकिन घर में कोई नहीं सुनता था। आज 5 साल हो गए मुझे आईएमसी करते हुए, आज पूरा हिंदुस्तान इसी तरीके से बैठ के सुनता है। आप फ्री में सुन रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे 100-500 रुपए की टिकट भी लगती है, और बहुत सारी जगहों पे 5,500 रुपए की टिकट लगा के भी लोगों ने मुझे सुना है। तो गोवा में कितने लोगों ने मुझे सुना? आ जाइए आप चार लोग, आ जाइए प्लीज, आइए। कितना टिकट लगा था गोवा में जाने का? 5,500। सच्ची बात कह रहे हैं? यस। सच्ची बात कह रहे हैं? यस। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली दे दीजिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम के करने की वजह से ये अचीवमेंट जो मेरी जिंदगी में आया हुआ है, क्या वह काम आपको देने वाला है? नहीं। आपने वादा किया है कॉर्पोरेट करने का? नहीं सर। क्या होने वाला है? नहीं। होने वाला है? नहीं। फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपकी जिंदगी में, वो है एक ही ऑप्शन। 5 साल इस सिस्टम को आप दे दीजिए, आपको भी पूरा हिंदुस्तान पैसा लगा के सुनने वाला है। पांच
5 साल, क्या आप दे सकते हैं? Yes, तो मैं कुछ बातें करूंगा एमसी के बारे में। Yes, बातें करूंगा एमसी के बारे में। Yes, sir. क्योंकि लोग मुझसे बहुत बार ये सवाल करते हैं कि सर एमसी मैं क्यों करूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एलआईसी का एजेंट हूं, है ना, मैं पल्स कर रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एडवोकेट वकील हूं, मैं तो दुकानदार हूं, मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं ये हूं, मैं वो, मैं संचार चलाता हूं, मैं मोबिल चलाता हूं, मैं ऑटो चलाता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं वो दुनिया भर का काम करता हूं, मैं क्यों आईएमसी करूं? आप लोगों की भी जिंदगी में ये सवाल कभी कभी आएगा या हो सकता है आया हो। मैं संचार चला रहा हूँ, मैं मोबिल चला रहा हूँ, मैं दाढ़ी काटने में काम कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं सीए हूँ, मैं ये फलामा हूँ, मैं क्यों करूँ आईएमसी? ये सवाल अगर नहीं जिंदगी में आया आज वो क्लियर हो जाए तो क्या मैं क्लियर करूं? यस। थैंक यू वेरी मच। व्हाई आईएमसी, क्यों आईएमसी? ठीक, आज हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो उसका मुख्य रीजन क्या होता है? पैसा। चाहे एलआईसी एजेंट हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी करने वाला हो, चाहे किसी भी फील्ड में काम करने वाला आदमी हो, अगर वो काम करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, उस काम के जरिए हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक, अब आप लोग, सिर्फ मैं एक सवाल कर रहा हूं, अभी तक आप जिस काम को करके जो आप पैसा बना रहे हैं, क्या उस पैसे से आप वो सब कुछ हासिल कर लिए हैं जो आप करना चाहते हैं? नहीं। क्लियर है ये बात? अब बात यह आती है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमें वो पैसा नहीं मिल रहा है जिस पैसे की हमें जरूरत है, तो हम अब तक उस काम को क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो उसका एक सवाल है, इसका जवाब यह है कि सर हमारे पास इसके अलावा अभी तक कोई और अवसर नहीं है। पहला यह आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर यह हो सकता है कि सर मुझे वही काम पसंद है जो मुझे मिल रहा है, मैं उतने से ही खुश हूं, उतने से ही संतुष्ट हूं, अब मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के सपने मुझे नहीं पूरे करने हैं, मेरे बीवी को मुझे सपने नहीं पूरे करने हैं, जो मिल रहा है मैं उससे खुश हूं, संतुष्ट हूं, अब ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए आप किसी और दूसरी तरफ कोई काम करने की नहीं सोच रहे, है ना? या तो आपके सपने मर चुके हैं, आप जो मिल रहा है उसी में खुश हो, संतुष्ट हो, या तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिला है, वो हाथ खड़ा करें, जिनको अभी अपनी जिंदगी में अच्छा और बड़ा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो हाथ खड़ा करें, ईमानदारी का हाथ। तो आपके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, आज आपकी ये तलाश खत्म हो जाएगी। अब बात आती है वाई आईएमसी में, क्यों आईएमसी में, कि हमें आईएमसी एक ऐसा अवसर, ऐसा अपॉर्चुनिटी देने वाली है जो हम अगले 5 सालों के अंदर उसमें काम करके, एफर्ट लगा करके, मेहनत करके हम बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद आपको मेरी तरह लाखों रुपए आने लगेगा, या हो सकता है 5 साल बाद आप इस बिजनेस से 1 रुपया भी ना कमा पाओ, ये दोनों चीजें हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि क्या करने से आपके अकाउंट में लाखों रुपया महीना आएगा और क्या नहीं करने से आपको इस बिजनेस पे पैसा। जानना चाहेंगे? यस। जानना चाहेंगे? यस। चलो, तो वाई आईएमसी में मैं आपको एक चीज मैंने कहा, जिसकी जिंदगी में सपने हैं वो
उनको आईएमसी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप आईएमसी के अंदर कभी बड़ी मीटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सारे प्रोफेशन के लोग आईएमसी करते हुए नजर आए। इसका मतलब एक डॉक्टर आईएमसी क्यों कर रहा है? क्योंकि डॉक्टरी से वो खुश और उसे लग रहा है आईएमसी वो पूरा हो जाएगा। एक इंजीनियर क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लगता है यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, सामने वाले को लगा, इसलिए उसने अपने प्रोफेशन के साथ आईएमसी बिजनेस को करना। आज अगर आपको लगे कि आपको जिंदगी में आईएमसी बिजनेस करना चाहिए तो आज के बाद अपना एक सेकंड भी जाया और बर्बाद मत करना। आज से और अभी से लग जाना, और ना लगे तो भगवान से प्रार्थना करिए। समझ लेकिन मेरी जिंदगी का जो सबसे कटु अनुभव है वो ये है कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं चलते। कभी जिंदगी में भगवान समय देता है, अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है, समय चला जाता है। और जब वो समय चला जाता है तब हमें जिंदगी में पछतावा होता है, अरे यार काश कर लिया। और आप लोगों की जिंदगी में ऐसे न जाने कितने काश होंगे कि काश ये चीज में ले लिया होता, काश में यहाँ चला गया, तो जिंदगी में काश बहुत बार। तो आज की मीटिंग भी लाइफ में काश ना बनने पाए, ध्यान दें इस चीज का। ठीक, तो मैं बात कर रहा था वाई आईएमसी। ठीक, आज हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? क्या आप कोई मकसद है क्या पैसा बनाने का? परिवार के लिए? कितने लोग परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं? सभी लोग परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं। अब आपको समझने और जोड़ने की जरूरत यह है कि आज अगर हम जिस काम को परिवार को करके वो चीजें नहीं दे पा रहे हैं तो पहला कारण यह है। दूसरा कारण क्या है ये समझने की जरूरत है। आज आप जिस काम को कर रहे हैं, कल अगर खुदा खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में आपके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो जाए, क्या हो जाए? दोनों हाथ फ्रैक्चर हो जाए और मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे दोनों हाथ में प्लास्टर बन गया है, तो क्या मेरी डॉक्टरी से मेरे को पैसा आएगा? अगर मैं संचा चला रहा हूं, अगर मैं ऑटो चला रहा हूं, क्या मेरे घर में पैसा आएगा? आएगा नहीं आएगा। मैं एक आर्किटेक्ट हूं और मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर बना है, क्या पैसा आएगा? मतलब जिंदगी में हम जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम भाग रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा क्या है? क्या है सुरक्षा उसकी? कि आप 4-6-10 महीने साल 2 साल के लिए आप बेड पे पड़ गए, बीमार हो गए, हाथ पांव फ्रैक्चर हो गया, लाइफ में कोई भी घटना घट गई, आप जिंदा तो हो लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपका काम आपको पैसा देने वाला है? नहीं। देने वाला है? नहीं। देने वाला है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं काम ना भी करूं मेरे पास पैसा आएगा, जरूरत भर का पैसा आएगा। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, जैसे एलआईसी लोग, उनका कहना है कि अगर हमने पॉलिसी कुछ बेच दी उसका रेन्यूअल जाता रहेगा और मेरे पास पैसा। ये तो उनकी आत्मा ही जानती है कि रेन्यूअल का पैसा कैसे जाता है। कस्टमर कैसे रेगुलर अपना प्रीमियम कैसे जमा करता है? चलो कुछ आपके पास ऐसे कस्टमरों की लिस्ट है जो खुद जमा कर लेते हैं, लेकिन मैं इस छोटी सी उम्र में सैकड़ों एलआईसी एजेंट से मिल चुका हूं जो 15 साल से एक ही मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, एक मोटरसाइकिल नहीं बदल पाए। आज जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में आज भी रह रहे हैं, 15 साल काम करते हैं, आज घर नहीं बदल। तो आज
वो सब कुछ बदल सकता है अगर आज आपने अगर अपने समय और अपनी वैल्यू को समझा। तो मेरे ख्याल से ये दो ऐसे रीजन पर्याप्त है आईसी करने के लिए। और ये जो दो रीजन है ना, दो कारण है ना, वो आईएमसी से कैसे फ्लिपफुल होंगे मैं अगले कुछ मिनटों के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। तो अगला जो कुछ समय होगा, कुछ मिनट होगा, वो इस चीज के लिए क्लियर होगा कि आज हमारी जिंदगी में जो अभाव है, चाहे वो पैसे का अभाव है, चाहे वो सम्मान का अभाव है, चाहे वो समय का अभाव है। सूरत में से बहुत सारे पैसे वाले होंगे, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनसे कहना कि राजेश गुप्ता जा रहा है 3 महीने के लिए मलेशिया, तुम भी चले जाओ, क्यों नहीं जाएंगे? बोलेंगे ऐसा, ये लाख दो लाख रुपया ले ले, लेकिन मेरे पास पैसा है लेकिन समय नहीं। और मैं ऐसे बहुत सारे पैसे वालों को जानता हूं जिनकी बीवी और बच्चों को उनका ड्राइवर घुमाता है। जिनके बीवी और बच्चों को उनका ड्राइवर घुमाता है। और आपकी जानकारी में बीवी से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन समय। कुछ और जो भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास पैसा भी है, समय भी है, लेकिन बीमार पड़े हैं। समय इसलिए है क्योंकि वो बेड पे पड़े हैं बीमारी से। ऐसा है, समय है और समय इसलिए है बेड पे पड़े। तो ये सारी चीजें आईएमसी फिलफुल करने वाली है आपकी जिंदगी में। आपका कारण कुछ भी हो सकता है, समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, सम्मान हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, क्योंकि दुनिया में आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दिल खोल के चैरिटी कर सकते हैं। यात्रा करने का जिनको शौक है, चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर मैं घूमूं, पूरी दुनिया में लोग मुझे जाने, सम्मान करें, वो सब कुछ इस आईएमसी बिजनेस में है। अब आप किस मकसद से आओगे ये आपका फाइनल डिसीजन है। तो शुरू करूं मैं थोड़ा इसके बारे में बात करने के लिए। क्यों करना है? जिसके लिए भैया आए हो छोड़ के, 12 घंटे की ड्यूटी निभा रहे हो, कुछ ऐसा उसके लिए। बाकी मान सम्मान दौलत देख रहे हो आप, मुझे अच्छी बताओ ऐसी लाइफ अच्छी है कि ऐसी लाइफ अच्छी आपके लिए? तो अगर ऐसी लाइफ अच्छी है तो वो करना है ना जो मैं कर रहा हूं। आप वो करोगे जो आप कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक। तो आइए कुछ बात करते हैं हम लोग आईएमसी की। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं आईएमसी के बारे में, आज पहली हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने पूरे विश्व में आयुर्वेद को लेकर के काम कर रही है। तो एक बार जोरदार ताली। भारत की पहली ऐसी कंपनी है, वैसी बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन भारत की पहली कंपनी है। ये प्राउड वाली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की कंपनी ने पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का झंडा लहराना शुरू कर दिया है। और पूरी दुनिया ये मान गई है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद का प्रोडक्ट है और कोई नहीं है। और कोविड में इस बात की सत्यता भी हो गई और आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ जा रहा है। तो भविष्य को देखते हुए हमारी कंपनी में जो आना है, मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा डॉक्टर अशोक पाटिल
और दूसरा इनका नारा है हमें लोगों को अमीर बनाना है। क्या नारा है इनका? हमें लोगों को स्वस्थ बनाना है और हमें लोगों को अमीर बनाना है। और उसी देश को लेकर के हम जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान में एक मिशन और एक क्रांति के रूप में काम कर रहे हैं। साथियों, आईएमसी के आगे आपको बिजनेस शब्द जरूर मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको बिजनेस नहीं मानता हूँ, मैं इसको क्रांति मानता हूँ, मैं इसको मिशन मानता हूँ। जिस क्रांति और जिस मिशन की वजह से मेरा परिवार कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और मिशन इसलिए है क्योंकि हमें लोगों के घर में जाकर के इस मिशन को आगे बढ़ाना है और उनके परिवार को भी बीमारी मुक्त बनाना है। और भगवान साक्षी है कि जब से मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया और आज का डेट है, मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई बीमारी हुई, हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है रोग निदान। किताब को उठाया, रोग को समझा, प्रोडक्ट खाया, बिना जांच, बिना फीस, बिना डॉक्टरी के धक्का लगे हुए हम ठीक हो गए। और ऐसे प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं जिन प्रोडक्टों का जिंदगी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक छोटा सा पेन किलर भी खाते हो ना, तो उसका भी साइड इफेक्ट है, उसका असर आपको आने वाले कुछ सालों में दिखने वाला, ये बात आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत। इस अभियान के साथ 2007 में आईएमसी की स्थापना हुई इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एक बार मैं जोरदार ताली आपको, यहाँ भाई भाई के बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसे महान व्यक्तियों ने हमारे और आपके बारे में। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां बिजनेस करने में लगी हुई है। आप लोग अन्यथा मत कीजिएगा, हर जगह बिजनेस है, लेकिन आईएमसी एक ऐसा रास्ता है जहां हमने देखा है बिजनेस तो है लेकिन जिंदगी के बेहतरीन के। तो यह काम 2007 से शुरू हुआ है साथियों, आज कंपनी को लगभग 14 साल हो गए हैं काम करते हुए। और आज एक छोटा सा बीज बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी है। अभी हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, कोविड अगर नहीं आया होता तो आज हम दुनिया की 5 देशों में जा चुके रहते। एक आदमी के साथ यह बिजनेस शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था, यह अभियान शुरू हुआ था। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग आईएमसी का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप सभी समझदार लोगों से मेरा एक सवाल है। हमने ये सुना है कि चंद लोगों को चंद समय तक के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों को ज्यादा समय तक के लिए बेवकूफ नहीं। जब मैं बिजनेस के यहाँ आया था उस समय 876522 ये मेरी आईडी है। कितने में है आईडी? ये 8 लाख। और आज की डेट में कितना हो गया? 1 करोड़। मतलब मेरे ज्वाइन होने के बाद कितने लोग आईएमसी में आए? लगभग 93 लाख लोग। और आज आप लोग आईएमसी नहीं भी करोगे तभी ये संख्या घटने वाली, ये संख्या तो लगातार बढ़ने वाली है। आप करोगे आईएमसी बिजनेस तो आपको क्या मिल सकता है उसकी एक छोटी सी झलक देख लो। आप लोग दिखा दूं? यस सर। आईएमसी हमसे क्या कहती है करने के लिए? तो मैंने बड़ी बड़ी बातें करी, लाखों रुपए महीने की प्याऊ, मान सम्मान, सर्कल, सुरक्षा, देश विदेश घूमना, सब कुछ जो मैंने बड़ी बड़ी बातें करी, ये सारी चीज हासिल करने के लिए आईएमसी हमसे कहती क्या है करने के लिए, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे यहाँ पे बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में हल्दी इस्तेमाल होता है, जिनके घर में ना इस्तेमाल हो ना खा के इस्तेमाल होता है? सबके घर में इस्तेमाल होता है, श्योर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? इस्तेमाल होता है घर में हल्दी? घर में हल्दी नहीं इस्तेमाल? आईएमसी की नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ।
भागी भी नहीं होती है। अच्छा मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी आईएमसी में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात कि घर में हल्दी इस्तेमाल होती है, सबके घर में होती है, ठीक है। मसाला इस्तेमाल होता है, सब्जी में मसाला पड़ता है, सबके घर में होता है, ठीक है। साबुन नहाते हुए यूज होता है, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं यूज करते क्या? क्या डाउट है? या कभी कभी लगाते हैं, सबके घर में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें हम कहाँ से परचेज करते हैं? एक दुकानदार से परचेज करते हैं, यही जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिटेलर और हिंदी में कहा जाता है दुकानदार, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, ये सारे जो प्रोडक्ट हमें कस्टमर बन करके जिस दुकान से खरीदते हैं फ्री में लेके आते हैं कि पैसा दे के लेके आते हैं? जो नहीं बोले वो फ्री में लाते हैं, पैसा दे के लाते हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि आप जैसा पैसा लगाएंगे वैसी क्वालिटी, ठीक है ना, जैसा पैसा लगाएंगे वैसी क्वालिटी मिलेगी। अगर आप एक किलो हल्दी 100 रुपए में खरीदना चाहते हैं तो 100 रुपए में भी मिलेगी, 200 में खरीदना चाहते हैं तो 200 में भी मिलेगी, तो भैया 400 और 500 में भी खरीदना चाहते हैं ना तो 400 और 500 में भी, कहाँ? इसी मार्केट, कहीं और नहीं। तो आप मुझे बताइए, जो मार्केट में 500 रुपए किलो बिक रहा है, जो मार्केट में 100 रुपए किलो बिक रहा है, दोनों की क्वालिटी सेम होगी क्या? नहीं, अलग। तो हम जैसे ही हमारा पॉकेट अलाउ करता है, जैसे ही हम बजट हमारा होता है, वैसे दुकान पे जाकर के हम उन प्रोडक्टों को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब आईएमसी कहते हैं सारे प्रोडक्ट जो रिटेलर से आप परचेज करते हो, क्या वो प्रोडक्ट वो रिटेलर बनाता है? नहीं। वो क्या करता है? वो अपने से बढ़ता दुकानदार होलसेलर से लाता है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या होलसेलर बनाता है? नहीं बनाता है। फिर वो क्या करता होगा? वो अपने से बड़े डीलर से लाता होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या डीलर बनाता है? नहीं, डीलर भी नहीं बनाता। ये स्टॉकिस्ट से लाता होगा। क्या स्टॉकिस्ट बनाता है? नहीं, स्टॉकिस्ट भी नहीं बनाता। ये सेंडर से लाता होगा। क्या सेंडर बनाता होगा? तो नहीं, सेंडर भी नहीं बनाता होगा। ये बनाता होगा एक फैक्ट्री का मालिक। यह बात सही है कि गलत? सही है। अब आप सोचो, आपने जो प्रोडक्ट 100 रुपए का परचेज किया है, सपोज दैट एवरेस्ट हल्दी, एग्जांपल एवरेस्ट हल्दी मार्केट में आई, इसकी पता इसकी जानकारी आपको किसने दिया? आपको कैसे पता चला कि मार्केट में एवरेस्ट हल्दी आई है? कहाँ देखा आपने एडवर्टाइजिंग? टीवी में देखा आपने? कहाँ देखा? प्रचारों में देखा? सिंपल से बात है, सही नहीं गलत है। अब जहां आपने प्रचार टीवी में देखा, आप मुझे बताओ फ्री में देखा? नहीं, हमने तो फ्री में देखा। आपने फ्री में देखा? गलत फहमी में हो गया, कहां से फ्री में देखे? प्रचार देखने के लिए टीवी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो टीवी में पैसा लगा, डाटा केबल आपने लगाया उससे पैसा लगा, आपने रिचार्ज कराया उससे पैसा लगा, तो कहां फ्री में देखा यार? हर चीज में पैसा लगता है भाई साहब, हर चीज में पैसा लगता है। तो आपने पैसा खर्चा किया उसको देखने में, और कंपनी ने पैसा खर्चा किया उसको आपको दिखाने में, खर्चा दोनों जगह हुआ है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं अपना प्रचार अमिताभ बच्चन से कराना चाहता हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा अमिताभ बच्चन को? कम से कम 1 करोड़। और चाचा आप बताए, आप बताए? 20 सेकेंड का कोई भी एड अगर अमिताभ बच्चन करते हैं तो 15 करोड़ लेते। अब बोलोगे आपको कैसी जानकारी हुई ये बात? तो गूगल देख लो,
क्योंकि पहले मुगल राज करके गए और आज मुगल राज करते हैं। सब कुछ का जवाब है, आप देख लेना मिल जाएगा। और आप लोग भी देखा भी होगा कि लगभग 29 करोड़ डिमांड रहता है धोनी का, अगर आप उनसे कोई प्रचार करा तो आता पेपर में आया था 29 करोड़ का डिमांड है। और सबसे हाईएस्ट इनकम करने वाले लोग हैं हेड से, ऐसे सारे लोग। अब सवाल देखो, ये बताना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये जो करोड़ों रुपया इनकी जेबों में जा रहा है उसका भुगतान करता कौन है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसका भुगतान करता कौन है? इसका भुगतान ये फैक्ट्री का मालिक करता है। ये फैक्ट्री का मालिक वसूलता किससे है? अब आए नहीं मुद्दे पे, ये हमसे आपसे ही वसूलता है। तो जनरल क्वेश्चन में आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा, आपको क्या लगता है कंपनी में कितने का बना होगा? बताए भैया कितने का बना होगा? 20 से 40। बहुत बढ़िया, आप बताए भैया कुछ आइडिया दीजिए। कंपनी में भी आप आइडिया कितने वाला? तो इसका भी सवाल गूगल बाबा के पास है। अच्छा, गूगल सही बोलता है कि झूठ? मानते हैं इस चीज को, ये बदलाव गूगल की बात करूं आपको गूगल भी विश्वास ना हो तो मेरी बात में विश्वास नहीं होगा। तो अभी तक जो ऑन यूरेज आया हुआ है वो आया हुआ है 20 से लेकर के 30%। कितना? 20 से लेकर 30%। मतलब 100 रुपए का सामान 20 या 30 का बनता है, 1000 का सामान 200 से 300 में बनता है, 10,000 का सामान 2,000-3,000 बनता है, और 1,00,000 का सामान 20,000 से लेकर 30,000 बनता है। 10,00,000 का सामान आप कोई परचेज करते हो वो कितने बनता है? 2 से 3 लाख में। 10 करोड़ का अगर आप कोई सामान परचेज करते हो वो भी 30 से 40 लाख में ही तैयार होता है। ऑन एवरेज 20 से लेकर 30%। मैं आपको क्यों बताऊँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 99% प्रॉफिट है, बनती 1 रुपये में है, बिकती 100 रुपये। बनती 1 रुपये में है, बिकती 100 रुपये। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है पूरे मैटर में, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ये जो पैसा और ये जो इनकी जेबों में जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी जेब में निकल रहा है? कस्टमर की जेब से निकल रहा है। तो सबसे बड़ा पैसा वाला कौन? कस्टमर। भाई अब आप सोचो, ये जो कस्टमर है वो कितने लोगों के सपने को पूरा कर रहा है? अपने सपने को मार्क। यही अवसर, यही अपॉर्चुनिटी आपको आईएमसी देती है। आपको आईएमसी सिर्फ एक उम्मीद देती है, एक रास्ता देती है, एक होप देती है। आज मार्केट में आप कहीं भी जाते हो कहीं उम्मीद नजर आती है, हर तरफ धोखा और बेईमानी। फर्स्ट कंपनी जो एक उम्मीद देती है आपको जिंदगी में कि आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो ऐसे कंपनी के पास जोरदार ताली। गाना है ना, हर तरफ रसवाई है ना। अब बात आती है कि ये कैसे होता है, तो कंपनी ने क्या किया मालूम है? कंपनी ने एक सिस्टम ला दिया। उस सिस्टम को समझाने के लिए मैं कुछ 7-8 दोस्तों को चाहता हूँ, थोड़ा बढ़िया आ जाए, जो आईएमसी वाले हैं, कोई भी आ जाए, आप लोग भी आ सकते हैं, 7-8 लोग लोगों में आप ऐसे समझो ये है कस्टमर। कस्टमर क्या नाम है ना, कस्टमर ग्राहक, ये है कस्टमर ग्राहक, उपभोक्ता जिसको बोला जाता है।
ये है रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, और ये है अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, ठीक। और ये है कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है ना। तो आईएमसी ने क्या किया, आम आदमी को उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा डिसीजन लिया कि उन्होंने किया, ये सारे के सारे लोगों को इन बीच के सारे लोगों को निकाला और कस्टमर और कंपनी को आपस में गले लगा दिया, गले मिला दिया, गले मिले। सिंपल सा यही काम किया। अब बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है तो निकलने दे रहे थे। थैंक यू वेरी मच, बैठ जाए आप सभी लोग। यही काम किया और कुछ भी नहीं किया, और कुछ नहीं किया। अब बात आती है, ये 70 से लेकर के जो 80% पैसा था, ये पैसा किसका था? कस्टमर का था। तो कंपनी ने प्लान डिजाइन कर दिया है, क्योंकि ये पैसा पैसे तो दे नहीं सकती है कि कैसे दे दे, उसके लिए कंपनी ने प्लान डिजाइन कर दिया है कि अगर ये 70 से लेकर के 80% पैसा आपका है और उस पैसे की ताकत देखो, इनके घर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज, इनके लड़के विदेश पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, इनके लड़के, इनकी ऐश की जिंदगी है, इस पैसे से अगर यही पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाए तो क्या आपके घर में वो सारी ताकत नहीं आएगी? कोई डाउट है क्या? यही बात आपके 5 साल पहले राजेश गुप्ता को समझ में आ गई, यही बात समझ में आई थी, कुछ बात समझ में आई कि तुझे खाना है जिंदगी भर तो आईएमसी का खाना, नहीं और क्यों खा रहा है। हम कहते हैं आईएमसी पैसा ना भी दे तो मार्केट से आ रहा है क्या? अरे लोग केमिकल बेच करके पैसा कमा रहे हैं, जहर दे करके पैसा कमा रहे हैं, कम से कम आईएमसी अच्छे प्रोडक्ट उनको दे रही है, ऐसा ना भी है तो अच्छे प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे तब भी हमारा बहुत फायदा होने वाला है, हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ने वाला। तो पहला सुख निरोगी का, निरोगी का है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे बड़े बुजुर्ग महान आदमी खेती करें और मार्केट का जहर खा खा करके क्या कोई भी आदमी यहाँ बैठा है जो बोल सकता है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं है? कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जिन्होंने आईएमसी का 5 साल प्रोडक्ट यूज कर लिया, मैं इस बात की गारंटी और सबूत आपके सामने खड़ा है कि उसके घर में बीमारी। पैसा आपका है, शरीर आपका है, परिवार आपका है, तो फैसला भी किसी और का नहीं। तो ये कौन सा प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है, कौन सा प्लान डिजाइन किया है कि पैसे को हम तक पहुंचाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं? yes. क्या आप जानना चाहते हैं? yes, sir. Thank you very much. तो इसके लिए जो कंपनी ने प्लान डिजाइन किया है, मैं उस प्लान को कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें आईएमसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी फ्री नहीं, मत सोचना यहाँ कुछ फ्री में मिलने वाला है, बस रजिस्ट्रेशन फ्री में मिलता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों हम पैन नंबर देते हैं, क्यों हम आधार कार्ड देते हैं, क्यों हम बैंक डिटेल देते हैं? उसका रीजन ये है कि कंपनियां लुधियाना में बैठी है और आप सूरत में बैठे हो। अब आपका 100 रुपया बना है तो कंपनी बाई कुरियर थोड़ी नहीं भेजेगी, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सिस्टम में डाला आपके अकाउंट में आया, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि आपका जो रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी बनने वाला है आज या फ्यूचर में, वो पैसा हम आपको देंगे, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक। रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, ठीक।
ठीक है, ये लगते हैं, आपको देना पड़ेगा पैसा अगर चाहिए यहाँ से तो, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई है। अगर आज आप मार्केट में जाकर 10 घंटे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो, इस 10 घंटे में 7 से लेकर के 8 घंटे आप इन लोगों के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ 1-2-3 घंटे ही अपने लिए काम कर रहे हो। फ्री में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है और आपको एक आईडी नंबर मिल जाती है, और जैसे ही आपको आईडी नंबर मिलती है तो आपको पहला जो बेनिफिट मिलता है, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को, देखो आने वाली 7 पीढ़ियों को आईएमसी के सभी प्रोडक्टों पे अप टू 30% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। जिनको ये बात समझ जाए वो ताली बजा। आगे 7 पीढ़ियों को 30% का डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता रहेगा, पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट, ये जो 70 से लेकर के 80% पैसा है, इस पैसे को आपने एक सिस्टम प्लान के तहत ये सारा का सारा पैसा आप तक पहुंचने वाला है, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ दुकान को बदल के बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे कैसे काम करेगा सिस्टम समझिएगा। आज हम 1 महीने का खर्चा, क्योंकि आज आईएमसी के पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हैं, हम सबसे पहले सो, जैसे ही सो के उठते हैं हमें क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, मंजन चाहिए, हमारे पास ब्रश और मंजन, ठीक। अब ब्रश मंजन हो गया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, नहाएंगे हम तो नहाने में सारे आइटम है, साबुन है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, सब कुछ है। अभी हमने नहा धो लिया तो हमें क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, तो तौलिया है नहाने के बाद, लपेटने के लिए चड्डी और अंदर गंजी भी, अंडर गारमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद आप चड्डी गंजी पहन लिए, फिर आपको क्या चाहिए, शर्ट, तो शर्ट भी है, पैंट, पैंट भी है, टाई भी है, बेल्ट भी है, मोजा भी है, और पर्स। ये सारे प्रोडक्ट यूज करने से इसके अंदर जो माल रखा है ना, 5500 हुआ या कुछ भी, वो भी। तो क्या ये सारा प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीद रहे हैं,